आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलेट के गांव पाठगी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 9 किलोमीटर है। 1200 वोट और 4000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान शहजाद संभाले हुए हैं। इन्होंने इस गांव में काफी विकास कराया है। इन्होंने जनता का विश्वास टूटने नहीं दिया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। 4 वर्षों में किस तरह से इन्होंने गांव को सजाया है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है, वर्तमान ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत पाटंगी। सर, 4 वर्ष हो गए हैं आपके यहाँ कार्यकाल को। 4 वर्ष में आपने क्या क्या विकास कराया और किस तरह से कराया है? हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 75% जो सड़क निर्माण का कार्य है वो कम्प्लीट हो चुका है। स्कूल में भी हमने विकास कार्य कराए, जैसे कि शौचालय का निर्माण है और तुम्हारे डस्टबिन वगैरह लगवाए हैं, फर्नीचर लगवाया है। अभी टाइल्स का काम होना बाकी है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ओडीएफ होगी पंचायत आपकी? हाँ, ओडीएफ। कितने शौचालय से ओडीएफ हमारी हुई है? 180 शौचालय बने। प्रधानमंत्री आवास बने हैं हमारे यहाँ 7। ऐसे कितने लोग होंगे जो अभी आवास चाहते हैं? तकरीबन होंगे 25 लोगों की रिक्वायरमेंट है जो हमने प्रशासन के संज्ञान में लाए और स्वीकृत भी हो चुके हैं। अब देखते हैं कब तक उनका पेमेंट आए। 100 नंबर और 108 नंबर की सुविधाएं लोगों को मिलती है? हाँ, 100 नंबर और 108 नंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के अंदर यहाँ अवेलेबल होती है। सम्मान निधि का पैसा लोगों के खाते में आया? हाँ बिल्कुल। कितने परसेंट? सम्मान निधि का ये मान के चलो कि 20% लोगों के अकाउंट में पैसा आया। प्रोसीजर चल रहा है अभी, कुछ लोग अपने कागज लेकर घूम रहे हैं। उज्ज्वल कनेक्शन जो चले थे यहाँ पे, लोगों को उसका लाभ मिल पाया? हाँ, 2-4 लोगों को मिला, ज़्यादा को तो नहीं, लेकिन 2-4 लोगों को मिला है। स्कूल के अलावा सरकारी बिल्डिंग में यहाँ और क्या है, जैसे अस्पताल, बरात घर, पंचायत घर? ना ही हमारे यहाँ पंचायत घर है और आंगनवाड़ी केंद्र है छोटा, और सरकारी बिल्डिंग में 2-3 स्कूल है हमारे यहाँ, 2 प्राइमरी है और 1 विंग है। हमारा मौजा लगता है कालीपुरा खालसा, उसके अंदर है 2 स्कूल और यहाँ पे प्राइवेट। शमशान घाट कब्रिस्तान है या? कब्रिस्तान है, शमशान घाट नहीं है। बाउंड्री है कब्रिस्तान की? हाँ, कब्रिस्तान की बाउंड्री। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप ग्रामवासियों को 9 वर्ष के उपलक्ष्य में, कुछ जो आप प्रधान हैं यहाँ? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपनी तरफ से समस्त जनता को ये कहना चाहूँगा कि प्यार एक सौहार्द का व्यवहार आदमी एक दूसरे से रखे, और जिस तरह की अफवाह इधर उधर चल रही है इन पर ध्यान न देगा, अपना फोकस सिर्फ अपनी फैमिली पर लगे और अपने देश के लिए। क्या आप प्रमुख मांग सरकार से चाहते हो जो हमारे गांव में सबसे पहले वो चीज़ हो जाए, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ चाहते हो सरकार से? हाँ, चाहते हैं। किस तरह से, क्या चाहते हो? सबसे पहली बात तो यह है कि हम प्रयासरत रहे, जैसे कि हमारे यहाँ संस्थान की भूमि अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी प्रयास हमने किया, और हम ये चाहते हैं कि सरकार अगर हमारी समस्या को सुन ले तो मुस्लिमों का जो कब्रिस्तान है वो कंप्लीट है, तो हिंदुओं के लिए भी कुछ हो जाएगा, एक संस्थान तैयार हो जाएगा जो बहुत ज़रूरी है। तो पूरी ग्राम पंचायत के अंदर कोई है ही। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब हुसैन है और मैं ग्राम पाठंगी का रहने वाला हूँ। और जो रास्ता आप ये देख रहे हैं ना सर, ये पूरे में मतलब गारा बहुत रहता था, बहुत ही गंदगी रहती थी, मतलब निकलने का नहीं होता था यहाँ पे बिल्कुल भी। लेकिन ग्राम पंचायत हमारे प्रधान जी ने जब से मतलब गांव के सभी रास्ते ज़्यादातर बढ़िया ही हो चुके हैं, वो कोई भी रास्ता मतलब ख़राब नहीं रहा है, और रहने सहने का भी हर चीज़ का मतलब बढ़िया हो गया, चलने फिरने के लिए भी हर चीज़ को कोई दिक्कत नहीं आती किसी।